स्वागत है बच्चों गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 7 हिंदी नेक्स्ट चैप्टर दादी माँ का परिवार। देखो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि हमारे परिवार होते हैं, हमारे परिवार में कौन कौन रहता है, बहन रहती है, भाई रहते हैं, देन पापा रहते हैं, मम्मी रहते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर जो दादी माँ का परिवार है वहां पर कौन रहता था, उनके दोस्त रहते थे। उनके दोस्त यानी कि कौन, जो चिड़िया और एक चुहिया। अब ये चिड़िया और चुहिया उनके कैसे उनके परिवार में थे। फिर अब यहाँ पर क्या होता है, जो चिड़िया होती है और जो चुहिया होती है उनके बच्चे होते हैं। अब वो बच्चे जो होते हैं आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर जो दादी माँ है हमेशा उन्हें सिखाती थी कि कैसे एकता में रहते, एकता कैसे बनाए रखते और हमें कभी भी लड़ना नहीं चाहिए। अब एक बार क्या होता है, जो चिड़िया होते हैं उनके ऊपर क्या आ जाती है, संकट आ जाती है। अब उस मुसीबत से वो कैसे निकलते हैं, उनकी मदद कौन करता है, क्या वो यहाँ पर एकता का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, ये हम कहाँ देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जो आपके लेखक है कहानी के उनका परिचय। तो आपके लेखक कौन है, रामाकांत कांत। अब यहाँ पर उनकी रचनाएं, उनकी रचनाएं क्या है, एक तेरे बिना सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। तो ये यहाँ पर क्या दी गई है, उनकी रचनाएं दी गई है, यानी कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पर लिखा है। उसके बाद अगर आप परिचय में देखोगे तो यहाँ पर बोला गया रामाकांत कांत जी की रचनाएं स्वरूप प्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ संपन्न करने चाहिए। यानी कि उनके जो जितने भी उनकी रचनाएं होती है ज्यादातर किसके लिए होती थी, बच्चों के लिए होती थी। और यहाँ पर जो ये आपको कहानी दी गई है, यहाँ पर आप सीखने वाले हो कि अगर कोई भी मुसीबत या संकट का समय आता है तो उसमें कैसे आप शांति, धैर्य और एकता का इस्तेमाल करके उस मुसीबत से निकल सकते हो। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी, यो तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवार जनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मजे से गुजर रहे थे, परिवार जन फुल फल रहे थे। अब यहाँ पर जो कहानी स्टार्ट होती है तो वहां पर सबसे पहले बताया गया कि एक छोटे से घर में कौन रहती थी, दादी माँ रहती थी। बट वो क्या थी, अकेली थी, लेकिन फिर भी उनका जो घर था वो क्या था, आबाद था। यानी कि उनके परिवार में कौन कौन रहते थे, एक चिड़िया और एक चुहिया रहती थी। अब वो सुबह सुबह उठती थी और सुबह उठ के वो अपने आंगन, उनका जो घर होता था उसको बुहारती या सवारती थी, यानी कि क्या करती थी, घर को अच्छे से साफ करती थी, उसे अच्छे से रखती थी। आंगन में आसन धरने के बाद वो क्या करती थी, खाना बनाती थी, खाती थी, सबसे बात करती थी। और इन्ही तरह जो उनका दिन था वो मजे और मस्ती में गुजर रहा था। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ थी समझदार सयानी, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था, घोंसले में रहती थी चिड़िया, वह दादी माँ की थी संगिया। चिड़िया का नाम था नीलू, सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू कुदकती, चिचियाती, दादी माँ से बतियाती। अब यहाँ पर पहले हमने दादी माँ के बारे में देखा, अब उनके परिवार की कहानी। तो सबसे पहले उनके परिवार में कौन थी, चिड़िया थी। तो चिड़िया यहाँ पर कहाँ रहती थी, वो उनके आंगन में एक बरगद का पेड़ था वहां पर वो घोंसला बना के रहती थी। और जो चिड़िया थी, चिड़िया क्या करती थी, जब भी उनकी वो यहाँ पर आंगन साफ करती थी तो वो क्या करती थी, वहां पे ची ची करके उनसे बात करती थी और फुदकती कुदती रहती थी। नेक्स्ट क्या होता है, एक और थी दादी माँ की सतीनी जिनकी चुहिया, पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती, यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चुहिया, वे सब यदि होते खुश तो दादी माँ भी रहती खुश, दादी माँ हुई कभी दुखी तो वह भी नहीं रहते थे सुखी। अब यहाँ पर आपको पूरे जो दादी माँ के परिवार में लोग थे उनके बारे में बताया गया। फिर वो यहाँ पर बोलते कि जो दादी माँ की दूसरे परिवार में जो चुहिया थी वो क्या थी, वो भी दादी माँ के यहाँ पर दोस्त थी। और वो कहाँ रहती थी, उसी बरगद के नीचे बिल बनाकर, और वो दिन भर दादी माँ के घर में फुदकती कूदती रहती थी। यानी कि जैसे नीलू पूरे दिन घर में चिचियाती रहती थी, कूदती रहती थी, सेम जो चुहिया थी वो भी यहाँ पर कूदती उछलती रहती थी। और फिर बताया गया है कि दादी माँ अगर कभी खुश, अगर दादी माँ कभी दुखी होती थी तो जो चुहिया और चिड़िया थी वो भी
यहाँ पर दुखी हो जाते थे, और कभी अगर चिड़िया और चूहिया दुखी रहती थी तो दादी माँ भी यहाँ पर खुश नहीं रहती थी। तो ये हो गए दादी माँ के परिवार में कौन कौन थे वो। फिर क्या होता है, ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए, उनमें से निकले दो बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे, टीनू मीनू नाम निकला, सबने मिलकर पोसा पाला। अब देखो यहाँ पर ठंडी के दिन आ चुके थे, अब जो नीलू चिड़िया थी उसने यहाँ पर दो अंडे दिए थे, और उन दो अंडे में से बहुत छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चे निकले थे, जिनका नाम क्या रखा था, टीनू मीनू, जैसे कि आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, सबका नाम है। तो वैसे ही जो चिड़िया के बच्चे थे उनका भी नाम था, और उनका नाम क्या रखा गया था, टीनू मीनू रखा था। अब उसके बाद क्या होता है, सबने मिलकर जो नीलू चिड़िया के बच्चे थे उन्हें यहाँ पर पोसा और पाला था, यानी कि उनकी केयर जो भी होती है उन्हें अच्छे से प्यार देना, ये सारी चीजें यहाँ पर हुई थी। चिंकी के दो बेटे बेटों के उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलराती, रोने लगते तो पुचकारती, चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। अब देखो सिर्फ चिंकी के दो बच्चे हुए थे, वैसे ही जो हमारी चुया थी, यानी कि जो यहाँ पर चुया थी उसको भी क्या हुए थे, जो चिंकी चुया थी उसको यहाँ पर क्या हुए थे, दो बच्चे हुए थे, जिनका नाम क्या रखा गया था, चुस्कू और मुस्कू रखा हुआ था। चुस्कू मुस्कू भी कैसे थे, वो भी बहुत अच्छे थे, वो भी जैसे नीलू के बच्चे छोटे मोटे थे वैसे ही थे। और फिर दादी माँ क्या करती थी, उनके बच्चों का ख्याल रखती थी, उनसे अपना मन बहलाती थी, क्योंकि दादी माँ अकेली थी, बट फिर भी उनके घर में चिड़िया जो चुया थी उनकी दोस्ती थी, उनका पूरा दिन आबाद रहता था, अच्छे से जाता था, मजे में गुजरता। दादी माँ क्या करती थी, उन दोनों बच्चों को, उन चारों बच्चों को स्नेह देती, प्यार देती थी, उन्हें दुलराती थी, और क्या करती थी, उनके साथ खेलती रहती थी, और जब वो रोने लगते थे तो उन्हें चुप भी कराती थी, और साथ ही साथ चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते रहते थे, हंसते थे, खेलते थे और खाते गाते थे। खेल खेल में वह लड़े भी पड़ते, दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहे थे खुशी खुशी से, दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वो हमेशा खेलते रहते थे, हम भी खेलते थे, तो हम यहाँ पर झगड़ा हो ही जाता है, तो वैसे जो बच्चे थे खेल खेल में वो क्या कर लेते थे, एक दूसरे से झगड़ा कर लेते थे, और दादी माँ उन्हें समझाती थी कि मेरे बच्चों क्या करो, तुम लड़ो मत, तुम लोग क्या करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, एकता का जो पाठ है, जो मैंने तुम्हें एकता का ध्यान करो, यानी कि एकता को याद करो, अगर एकता से रहोगे खुशहाली, यानी कि उन्हें झगड़ा ना करो, ये समझाते वो यहाँ पर क्या बोलती है कि अगर एकता है जहां खुशहाली है वहां, यानी कि जिस जहां पर एकता है, जहां पर लड़ाई झगड़े नहीं है, वहां पर क्या है, खुशियां, यानी कि खुशहाली है। और इसी तरीके से जो दिन थे वो कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में भी सब कैसे थे, खुशी खुशी से, और दादी माँ उन्हें क्या करती थी, रोज समझाती थी, एकता के जो जो लाभ होते थे वो उन्हें गिनाती थी। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या होता है, एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया, नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई, अन्य चीड़े चिड़िया भी थे उसके साथ, खलिहानी में धान उगे हुए थे रात, सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी, अचानक मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। अब देखो एक बार संकट का समय आ गया था, यानी कि उन जो चिड़िया थे उनके ऊपर मुसीबत आ गई थी। अब संकट के समय पे क्या हुआ था, जो नीलू चिड़िया थी वो यहाँ पर अपने बच्चों को संग लेकर कहाँ गई थी, दाना चुगने की, दाना खाने गई थी। अब जो खलिहान था, यानी कि जो यहाँ पर फील्ड होता है उसे हम खेत, उसे हम खलिहान बोलते हैं, वहां पर धान उगे हुए थे, तो वहीं पर वो लोग गए थे दाना चुगने, सूरज की किरणें ढल रही थी, यानी कि रात होने वाली थी। अब यहाँ पर चिड़िया दाना चुग रहे थे, जितने चीड़े चिड़िया, यानी कि उसमें चिड़िया भी थे, चिड़ियाए भी थे। अब जो मुनमुन थी, मुनमुन एक चिड़िया थी, मुनमुन को ध्यान आता है कि उसकी सासू माँ आने वाली है, तो उसकी सासू माँ आने वाली है तो वो डर जाती है, फिर वो बोलती है कि मेरा ना घोंसला खाली है और सासू माँ आने वाली है, तो मैं क्या करती हूँ,
जाती हो तो सबको बताती है उसकी सासू माँ आने वाली है। तो अब वो यहाँ पर जाती है तो क्या होता है, घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वो उड़ने को हुई, बेचारी उलझ कर रह गई, अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियाओं ने भी बात सुनी, नीलू उसके पास जाने लगी पर उसकी भी रही बेचारगी। अब यहाँ तक हमने क्या देखा था, जो मुनमुन है, मुनमुन को अचानक से याद आता है कि उसकी सांस आने वाली है, घोसला खाली है। अब तो सांस आने वाली है, घोसला खाली है, घोसला में तो किसी ना किसी को तो रहना ही पड़ेगा। तो शायद सांस के डर से जो मुनमुन होते हैं वो घर जाने को विदा लेते हैं, यानी कि जो भी है बाय बाय टाटा है वो सब लेती है, सब उसको विदा करने को तैयार हो जाते हैं। अब वो बस उड़ान भरने को तैयारी थी, उड़ने को तैयारी थी, तभी क्या होता है कि वो अचानक से चिल्लाती है, वो उलझ जाती है, वो बोलती है कि वो बहुत जोर से लाती है, अरे मैं फंस गई। अब उसकी फंस जो उसका चिल्लाना था वो उसकी पुकार सुनकर जो पर नीलू चिड़िया थी वो उसके पास जाती है, तभी नीलू चिड़िया को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो हो चुका है, यानी कि नीलू चिड़िया को पता चलता है कि वो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, जाल में फंस चुके हैं। फिर क्या होता है, तब वो बात समझ पाई, फिर चिंचिया कर चिल्लाई, बोली अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं, बहुत तरह उन्होंने यत्न किए, निकल ना सके, उलझ गए, चिड़ी चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस, सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वह सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। अब यहाँ पर क्या होता है, वो बहुत ज्यादा प्रयास करते, यत्न करना यानी कि क्या, प्रयास करना, उन्हें समझ गया था, बहेलिया यानी कि जो बर्ड्स को हंट करते, जो मतलब बर्ड्स को पकड़ते या मारते अपने फायदे के लिए, तो यहाँ पर जो नीलू चिड़िया उसे समझ जाता है कि वो जाल में फंस चुके हैं और वो सबको बता भी देती है। अब ये सुनने के बाद सब बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा प्रयास करते हैं, ट्राई करते हैं, लेकिन वो अब जितना वो निकलने का ट्राई कर रहे थे उतना वो क्या होते जा रहे थे, वापस उलझते जा रहे थे। और फिर क्या होता है, वो सब अब उनके पास जो घर जाने की आस थी, यानी जैसे मुनमुन को घर जाना था तो अब उसकी जो आशा थी, होप थी, वो धीरे धीरे क्या होने लगी थी, यहाँ पर खत्म होने लगी थी। और जैसे डर का माहौल रहता, जैसे एग्जाम के टाइम अगर कोई पढ़ता नहीं है तो वो सोचता है ना कि एग्जाम आ रहा है, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे पढ़ूंगा, तो वैसे ही जो चिड़ियाई थी अब उनके अंदर भी डर का माहौल हो चुका था कि वो घर कैसे जाएंगे, उनके हाल जो थे वो बेहाल हो चुके थे और उनको बच्चों की ख्याल आ रहे थे, बुरे बुरे थॉट्स आ रहे थे, अब वो क्या कर रहे थे, यहाँ पर सिसक सिसक कर रोने लगे थे। फिर क्या होता है, नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वो भी खलान, फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई, मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंस गए। अब देखो जो नीलू टीनू मीनू थे वो बहुत ज्यादा शांत थे, उन्हें हमेशा दादी की जो सीख थी वो उन्हें याद थी, वो सबको बताते हैं कि हमें एकता में रहना चाहिए। लेकिन अब जो हमारी मुनमुन थी वो तुनक कर यानी कि चिढ़ कर बोलती है कि हमें क्या है, एकता है, हम लड़ नहीं रहे, हम हार गए, हम जाल में फंस गए। यानी कि जो मुनमुन है वो पहले ही हार मान लेती है, वो पहले ही बोल देती है कि नहीं अब तो हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, वो क्या हो चुके, अब वहां से निकल नहीं पाएंगे। चाहे फिर वो क्या होता है, चाहे कितना भी एकता रखो क्या धरा है जब कुछ कर ना सके, थे एकदम शांत हालांकि चिंता से थे वह भी खलांत, फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई, मुनमुन थी उनकी हमजोली। अब यहाँ पर जो लाइन है वो रिपीट हो चुकी है, सेम लाइन है यहाँ पर, तो यहाँ पर वही होता है जो आपकी मुनमुन होती है, मुनमुन बोलती है कि नहीं अब तो हम फंस चुके, अब कुछ नहीं हो सकता, एकता से भी कुछ नहीं हो सकता है, यही सब यहाँ पर हो रहा होता है। अब वो जाल से निकलते कैसे वो यहाँ पर हम देखेंगे। टीनू बोली बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अकल का पत्ता। अब टीनू जब मुनमुन सबको उदास करती है, सबको और ज्यादा यहाँ पर डराती है, तो टीनू क्या बोलती है, क्या तुम इतने में ही डर गई, हम जरूर जीतेंगे, हम जो एकता की ताकत है वो जरूर दिखाएंगे। और फिर जो मुनमुन है वो बोलती है कि ये तुम जलेबी की तरह गोल गोल बातें क्यों कर रहे हो, सीधे सीधे बताओ, यानी कि अकल का पत्ता खोलना, जो भी तरकीब आई है उसे बताना, जो भी चीज आई है उसे समझाना। तो टीनू यहाँ पर क्या समझाती है, उसे टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती
की थी मुक्ति, योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी एक दो तीन चार, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम सब एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। तो टीनू ने यहाँ पर दादी की एकता वाली बात को याद रखते उन्होंने बोला, मीनू बोलेगी एक दो तीन चार, तो सबको क्या करना है यहाँ पर, उड़ना है, सब लोग एक साथ उड़ेंगे और फिर क्या होगा, वो लोग उड़ के एक ही दिशा में जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हो, पंछी जो है वो जाल लेकर उड़ रहे। अब क्या होता है, सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वह तैयार। मीनू बोली एक दो तीन चार, उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वो उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए, गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। अब देखो यहाँ पर आपको बहेलिया भी दिख जाएगा, अब वो सब हो गए होशियार, सब हो गए थे होशियार, एक दो तीन का इंतजार कर रहे। मीनू जैसे ही बोली एक दो तीन चार, सब क्या करने लगे यहाँ पर, उड़ गए। अब उनके मन में जो आशा थी, विश्वास थी, वो बहुत ज्यादा जग चुकी थी। अब उनकी जो एकता थी उन सब में, वो सबके उनमें उमंग हिलो रही थी, यानी कि अब कुछ ना कुछ उनके साथ जो अच्छा है वो हो ही जाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, अचानक कलरा हुआ आंगन में, सबने देखा आनंद फानन में, चिंचिया रही थी बहुत सारी, बहुत सारे उनमें थे नीलो टीनो मीनू प्यारे, विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका एक, साथ आंगन में उतरे मानो वो मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी मां ने उनकी गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह बोली, देख उन्हें वह यह बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। अब देखो जो चिड़िया थे वो उड़ चुके थे, जो बहेलिया था वो यहाँ पर सोच में पड़ा था, वो कैसे एकता कैसे उड़ गए थे, यहाँ पर एकता की जीत तो हुई थी। अब साथ ही साथ आंगन में बहुत तेज कलर आ गया, यानी कि आवाजें जो होती है वो आने लगी थी। अब जो चिड़िया थी, बहुत सारी चिड़िया एक साथ उड़ रही थी, और उनमें कौन थे, नीलू टीनू मीनू भी थे। अब जो दादी माँ है, दादी माँ का भी हाल बेहाल था, तो वो भी क्या पूछती है, नीलू को देखती है, तो नीलू को पूछती है कि नीलू तुम आज बहुत देर से आई हो, अब यहाँ पर क्या हुआ था। नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया, यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, तीनों मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है, सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इसमें बाहर निकालो। अब देखो सारी चिड़िया यहाँ पर आ चुकी थी जाल से। अब जो नीलू है वो बताती है कि तीनों मीनू की समझदारी से कैसे वो यहाँ पर बच चुके थे, तो दादी माँ बताती है कि तुम्हारी जान बच गई, ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद वो क्या बोलते हैं कि हमारी जान तो बच गई है, लेकिन फिर भी हम कहाँ फंसे हुए, इस जाल में फंसे हुए, हमें इस जाल से निकालो, हमें क्या करो, संभालो। फिर वो क्या बोलती है, दादी माँ तब मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली बच्चों, उसमें ही शक्ति है, वही बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली मीठी बोली, हम एक है पर क्या करें, बच जाए कुछ ऐसा जतन करें। अब यहाँ पर दादी मुस्कुराती है, वो वापस से उन्हें बताती है कि एकता में ही एक गोली है, एकता से ही तुम बच पाओगे। तो जो चिड़िया है वो उनको पूछती है कि हम ऐसा क्या करेंगे, हम बजे, हम क्या ऐसा करेंगे बजे। तो देखो यहाँ पर दादी माँ बहुत अच्छी उन्हें जो बात है वो बताती है। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया, वह बोली एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए, वही यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 होते, किसी तरह की तुम झिझक ना करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जान काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे, मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, तब मिलकर हमें बचाओ, यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंगी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई, दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहेगी तुम, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। अब यहाँ पर दादी माँ जब उन्हें बताती है वापस एकता का पाठ पढ़ाती। अब देखो एकता जो है वो सिर्फ एक ही चीज में नहीं होनी चाहिए, जैसे चिड़ियों ने एकता दिखाई तो क्या
सिर्फ चिड़िया चिड़िया के साथ ही एकता दिखा सकती है, दूसरों के साथ नहीं दिखा सकती है, तो नहीं, हमें सिर्फ अपने ही तक एकता नहीं रखनी, हमें सबके साथ एकता रखनी है। वो बताती है कि एकता सिर्फ चिड़ियों के बीच में नहीं होना चाहिए, तनिक याचना करो, थोड़ा सोचो, जो आपकी चुहिया है, चिंकी चुहिया है, वो बचाएगी, चिंकी चुहिया के साथ उनके बच्चे चुस्कू मुस्कू आते, वो आते और किसी ने भी भेद नहीं किया, भाग दौड़ वो लोग झटपट आए। और फिर दादी माँ बताती है, अगर तुम मिलकर रहोगे तो कभी तुम्हें हार नहीं मिलेगी। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पहने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल, चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, तीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। अब यहाँ पे चिंकी कहाँ गई, जाल के पास गई, चुस्कू मुस्कू भी वहीं थे। चिंकी जाल के पास क्यों गई थी, जाल को काटने के लिए, तो उनके जो पहने दांत थे, यानी कि शाप, शाप पहने का मतलब क्या होता है, शाप होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, वो जाल के पास जाती है और जो चिड़े चिड़ियाएं थी उन्हें क्या करती है, वो आजाद करने को तैयार हो जाती है। और जैसे ही यहाँ पर चिड़ियाएं आजाद हो जाती है, वो सब क्या करते हैं, जितने भी चिड़े चिड़ियाएं थे वो एक दूसरे से दादी माँ से जो है बतियाने लगते है, तीनू मीनू चुस्कू मुस्कू जो भी थे एक दूसरे में खेलने लगते, सब में स्नेह और प्यार भर जाता है। और दादी माँ की जो सीख थी, यानी कि एकता के बारे में उन्होंने जो जो बताया था, वो यहाँ पर क्या ला रही है, रंग लाती है, सबने एकता की दुहाई दी, सबका मुंह एक साथ खुला, यानी कि सब एक साथ बोले, अंत भला तो सब भला, यानी कि जो जो भी बाद में सही हुआ वही क्या है, सही है, यानी कि अगर अंत यानी कि एंडिंग अगर सही है तो हर चीज क्या है, यहाँ पर सही है। और इसी के साथ क्या होता है, आपका ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, जहां पर आपने क्या देखा, जो दादी माँ के परिवार के बारे में और कैसे यहाँ पर वो उन्हें एकता के बारे में बताती है और कैसे वो यहाँ पर बचते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में आपने क्या सीखा, यानी क्या सीखा कि अगर आप एकता के साथ रहते हो, एक दूसरे की बात सुनकर रहते हो, तो कोई भी कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल क्यों ना हो या छोटी से छोटी ही मुश्किल क्यों ना हो, हम उसे क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो समझा होगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम कब करेंगे, इसके नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।